पहले के लोग लकड़ी की नाव का इस्तेमाल करते थे। व्यापार हो या सामान का आयात निर्यात या मछली पकड़ना, ये सभी काम लकड़ी की नाव में होते थे। लेकिन अब इनकी जगह लोहे के बने जहाजों ने ले ली है। ये जहाज लकड़ी के जहाजों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। दुनिया में ज्यादातर सामानों का ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े शिपों से होता है। शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से आज गैस, तेल और अन्य प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश ले जाए जाते हैं। इसके अलावा अनाज, कार, मेडिकल इक्विपमेंट, भारी मशीनरी, रसायन आदि चीज भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ज्यादातर देश गैस और ऑयल शिपिंग कंटेनरों पर ही निर्भर है। इसके जरिए 61% ऑयल सप्लाई किया जाता है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जहाजों की संख्या 1,30,000 है। इसके अलावा ऐसे भी कई जहाज हैं जो बिना रिकॉर्ड के ऑपरेट किए जाते हैं। पहले की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा समुद्री लड़ाई हुई और जिससे आज भी समुद्र पूरी तरह से प्रदूषित है। बाल्टिक सागर की बात की जाए, इससे कई देशों की सीमा लगी हुई है, जिसमें से एक देश है पोलैंड। इस देश ने कई युद्ध झेले हैं, वे कई लड़ाइयां समुद्रों में लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां 5,000 जहाजों का मलबा आज भी यहां की कहानी कहता है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी तक 20% हिस्से की ही जानकारी मिल पाई है, जिसमें से कुछ ही जहाज का मलबा आज तक मिल पाया है। अभी भी 80% हिस्सा बचा हुआ है, जहां आज भी कई जहाज डूबे हुए होंगे। और आज भी इन जहाजों से ऑयल और केमिकल निकलता रहता है, जो समुद्र के वातावरण को आज भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल जर्मन सैनिकों ने जिस जहाज को अपने नौसेना के लिए अस्पताल बनाया था, वह जहाज अमेरिकी सेना के हमले के वजह से डूब गया। जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें कई ऐसी चीजें होती है जो समुद्र को प्रदूषित करती है। जब रिसर्च टीम ने समुद्र के अंदर जाकर जांच की तो उन्होंने एक चिपचिपा पदार्थ देखा जो वहां टूटे हुए जहाजों से निकल रहा था। ये चिपचिपा पदार्थ समुद्र तल पर बैठता ही जा रहा था और समुद्र के इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। वैज्ञानिकों की माने तो यह चिपचिपा पदार्थ तेल है जो समुद्र के 4,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। वह समुद्र को दूषित कर चुका है। अभी भी न जाने कितने जहाज होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध में डूब चुके होंगे और इनसे यह केमिकल और ऑयल रिलीज होता जा रहा होगा। इन डूबे हुए जहाजों से जितना भी प्रदूषण निकल रहा है, यह धीरे धीरे पोलैंड के तटों तक भी पहुंच रहा है और आज पोलैंड के तट किसी बारूद से कम नहीं है। आज की बात की जाए तो बीते 15 सालों में ट्रांसपोर्ट में ऊंचा उछाल आया है और अब जहाजों का आकार भी काफी बड़ा हो चुका है। कुछ जहाज ऐसे हैं जो 400 मीटर से भी लंबे हो चुके हैं। 2002 तक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अधिकतम 6,500 कंटेनर लोड कर सकता था, लेकिन आज के सिर्फ 24,000 कंटेनर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 20,000 तक कंटेनर ले जाने वाले जहाज तो कई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व खर्च कम करने के लिए शिपों को बड़ा बनाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सामान दूसरे देशों में भेजा जा सके। 2010 से 2018 के बीच ऑयल टैंकरों के 10 हादसे से ही महासागरों में 91% तेल रिस चुका है। ज्यादातर हादसे जहाजों के आपसी टकराव के कारण हुए हैं। जहाजों के हादसों से ज्यादा तेल समुद्र में गिर चुका है, जिससे समुद्र प्रदूषित हो चुका है। सिर्फ 1 लीटर तेल 10,00,000 लीटर पानी को दूषित कर देता है। तेल की परत लंबे समय तक सतह पर बनी रहती है, वह समुद्र को ढक लेती है। जब सूर्य की किरणें समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करती है तो यह तेल समुद्र की किरणों को समुद्र में जाने से रोकता है, जिससे वनस्पति को भी भारी नुकसान होता है, जिसके कारण मछलियां भी संकट में हैं। सितंबर 2019 में पूर्व उत्तर ब्राजील में एक ऑयल टैंक डूबा, जिससे इतना तेल लीक हुआ कि जिससे कई किलोमीटर समुद्र काला पड़ गया। श्रीलंका में मई 2021 में जले कार्गो शिप में अमोनियम नाइट्रेट, बेकिंग सोडा व प्लास्टिक पॉलीमर समेत कई केमिकल्स लदे हुए थे। इसकी वजह से कई कछुए मारे गए व समुद्र तट भी कई समय तक दूषित रहा। मई 2022 में पुर्तगाल के पास 4,000 कारों से लदा हुआ जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। लोड में कई लिथियम आयन बैटरी वाली गाड़ियां भी थी। 2011 से 2021 तक दुनिया में 892 शिप्स डूबे, जिसमें से 397 कार्गो शिप थे। यूएन की रिपोर्ट की माने तो हमारे समुद्र में 30,00,000 जहाजों का मलबा आज भी पड़ा हुआ है।
शिपिंग कंपनियां हमारे लिए कई चीजें लाती व ले जाती है, वो हमें भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन समुद्री जहाजों व शिपों में आज भी कई बदलाव की जरूरत है, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जिससे समुद्र व समुद्र में रहने वाले जीवों को भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो।